हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय सुमित सर। आज ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रूफ से रिलेटेड क्वेश्चंस, मींस ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ्स। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो हमें देखिए ये प्रूव करके बताना है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से बताने वाला हूं, ठीक है। तो पहली मेथड जो हमारी जनरल मेथड है, जिसमें हम फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, उस मेथड से इसको सॉल्व करूंगा। लेकिन इसी के तुरंत बाद जो दूसरी मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें बगैर फॉर्मूला यूज किए, मींस वहां पर हम फॉर्मूले यूज नहीं करेंगे, बिना फॉर्मूले अप्लाई किए भी हम इसे प्रूव कर सकते। तो वो कैसे, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो देखिए, इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते। सबसे पहले मैं LHS लिख रहा हूं। तो LHS किसे कहेंगे, इक्वल साइन के पहले जो कुछ लिखा रहता है इसे कहा जाता है LHS, और इक्वल साइन के बाद में जो लिखा रहता है वो रहता है RHS। तो अगर आप LHS से स्टार्ट कर रहे, तो LHS सॉल्व करते करते अगर हमें RHS मिल जाए, दैट मीन्स प्रूफ इज ओवर, मतलब प्रूफ इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास, देखिए LHS में क्या है, LHS इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस या आपका कॉस थीटा, यह है हमारा LHS। तो LHS से शुरुआत कर रहे, देखिए यहां पर इसके अपॉन में कुछ नहीं, मीन्स वन, और यहां सबसे पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने जा रहा हूं। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू वन, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कॉस थीटा इंटू वन, ये हो गया आपका कॉस थीटा, मीन्स हमने यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए। और अब बारी बारी से हम फॉर्मूले अप्लाई करते। तो पिछले वीडियो में मैंने फॉर्मूले कैसे बनाते वो वीडियो अपलोड किया था, वहां पर आप देख सकते कि फॉर्मूले किस तरह से बनाए जाते। तो देखिए, या फिर आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो यहां देखिए, सबसे पहले हमारे पास ऐसा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्मूला है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। तो हम क्या कर सकते, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है वन, मतलब इसका फॉर्मूला, फॉर्मूले से इसका वैल्यू वन मिलता है, देखिए। और अपॉन में हमारे पास में है कॉस थीटा, अब वन अपॉन कॉस थीटा, इसका भी फॉर्मूला है। तो देखिए, एक और फॉर्मूला था हमारे पास में, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू वन। अब हमें देखिए इस तरह से फॉर्मूला मिल सकता है, ये sec थीटा एज इट इज इक्वल टू ये वन जैसा का वैसा, cos थीटा ये मल्टीप्लीकेशन में, इधर लेके आते तो डिवीजन में। तो अब देखिए आप, वन अपॉन cos थीटा, इसका फॉर्मूला होता है sec थीटा, तो इस वन अपॉन cos थीटा के प्लेस पे हम लिख सकते हैं sec थीटा। तो देखिए, हमने शुरुआत किए LHS से, और ये LHS सॉल्व करते करते हमें क्या मिल चुका है, देखिए RHS, इसी का मतलब इसका प्रूफ कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट में आपको ये पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ। लेकिन इसी क्वेश्चन को अब मैं सेकेंड मेथड, मतलब दूसरी मेथड से पढ़ाने वाला हूं। तो उस मेथड में हम फॉर्मूले अप्लाई नहीं करेंगे, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करना है। तो चलते अब हमारे इसी क्वेश्चन पर, जो कि मैं सेकंड मेथड से पढ़ाने वाला हूं। अब इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से बताने जा रहा हूं। तो देखिए, इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना है, और इस ट्रायंगल में मैं एक 90 डिग्री का एंगल लेने जा रहा हूं, मतलब हमने बना लिए एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इसे मैं नाम दे रहा हूं ए बी सी। साथ में इसके जो साइड्स है ए बी बी सी और ए सी, इन्हें भी किसी वेरिएबल से मैं डिनोट कर रहा हूं। मान लेते ए बी साइड ए है, बी सी साइड बी है, और ए सी साइड सी है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, मतलब इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें एंगल बी हमारे पास में 90 डिग्री है। तो अब यहां पर हम रेशियोज फाइंड करेंगे, इस क्वेश्चन में जितने रेशियोज दिखाई दे रहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो हम फाइंड करने वाले। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में है साइन थीटा, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, अपोजिट
अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए एंगल फिलहाल हम ए पर लेने जा रहे हैं, थीटा का एंगल ए पर भी ले सकते हैं आप, सी पर भी ले सकते हैं। फिलहाल मैंने ए पर एंगल सपोज किया हूं थीटा, और थीटा का अपोजिट साइड हो गया आपका बी, 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनियस, और ये जो बचा हुआ है ए, ये कहलाएगा आपका एडजेसेंट साइड। तो देखते हैं अपोजिट साइड, थीटा का अपोजिट साइड वो है बी, हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाला ये सी। उसके बाद सेकेंड रेशियो हम फाइंड करते कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड थीटा एंगल के लिए वो है ए, और हाइपोटेनियस 90 का अपोजिट वो है सी। थर्ड रेशियो हमारे पास में वो है सेक का, तो सेक थीटा का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो देखिए हाइपोटेनियस साइड हमारे पास में है सी और एडजेसेंट साइड है ए। चलिए हमने रेशियोज फाइंड किए, और अब एलएचएस और आरएचएस की बारी है। तो शुरुआत हम यहां पर एलएचएस से करते हैं, मींस लेफ्ट हैंड साइड से। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में क्या, इक्वल साइन के पहले जो लिखा रहता है इसे लेफ्ट हैंड साइड मींस एलएचएस कहा जाता है, और इक्वल साइन के बाद जो लिखा रहता है उसे आरएचएस मींस राइट हैंड साइड कहते हैं। तो एलएचएस में हमारे पास में है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस या आपका कॉस थीटा। तो चलिए साइन थीटा का वैल्यू देखिए क्या है, साइन थीटा का वैल्यू बी अपॉन सी, यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर, अपॉन में कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू है ए अपॉन सी, प्लस फिर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू हमारे पास में ए अपॉन सी। अब आगे का सिंप्लीफिकेशन, तो देखिए आगे का सिंप्लीफिकेशन मैं इधर लिखने जा रहा हूं, मीन्स एल एच एस को मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं। तो अब देखिए बी अपॉन सी का स्क्वायर, इसका मतलब होता है बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसके भी अपॉन में हमारे पास में है ए अपॉन सी, प्लस फिर है ए अपॉन सी। अब ये बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर जैसा का वैसा, ये डिवीजन में है, इसे मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो जो नीचे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है मींस वेरिएबल्स, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा, मतलब सी ऊपर चले जाएगा और ए नीचे आ जाएगा, फिर उसके बाद है प्लस ए अपॉन सी। चलिए अब देखिए सिंप्लीफिकेशन होता है तो जरूर सिंप्लीफाई करेंगे हम। यहां पे देखिए ये आपका सी और ये स्क्वायर कैंसिल, मतलब सी का एक फंक्शन है, यहां पे सी के दो टर्म्स है, तो इस सी के साथ एक सी वाला टर्म कैंसिल्ड होता है, तो एक सी बचेगा। अब हमारे पास देखिए क्या बचा है, बी स्क्वायर अपॉन ये ए इंटू सी ए सी प्लस ए अपॉन सी, ठीक है। अब फिर से यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो देखिए बी स्क्वायर इंटू सी ये आपका बी स्क्वायर सी, प्लस है तो प्लस ए सी इंटू ए ये ए स्क्वायर सी अपॉन में ए सी इंटू सी ए सी स्क्वायर। अब आगे देखिए यहां से कॉमन जो निकाल सकते हैं हम सी, अगर हम सी कॉमन निकाल लेते हैं यहां से, यहां बचने वाला है b का स्क्वायर प्लस यहां से c चले गया तो a का स्क्वायर, और अपॉन में हमारे पास में है a c का स्क्वायर। अब आगे देखिए अगर हम इस ट्राइंगल की बात ध्यान में रखते हैं, तो यहां देखिए 90 का अपोजिट है c, मतलब इसे आप हाइपोटेनियस कहेंगे। तो ये जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर लेते तो c का स्क्वायर इक्वल टू ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस के रिजल्ट से। तो देखिए हमारे पास पाइथागोरस का रिजल्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो ये c जैसा का वैसा इनटू ये b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का वैल्यू होता है c स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, और अपॉन में है a साथ में c का स्क्वायर, ये c स्क्वायर कैंसिल, तो हमें जो मिलने जा रहा है वो है c अपॉन a। तो अब देखिए c अपॉन a जो हमें मिला है, ये c अपॉन a किसका वैल्यू है, sec थीटा का। c अपॉन a किसका वैल्यू है, sec थीटा का, मींस इक्वल टू हमें sec थीटा मिल गया। तो हमने देखिए शुरुआत किए थे LHS से, और LHS सॉल्व करते करते हमें क्या मिल चुका है, RHS।
आरएचएस हमारा क्या था, सेक थीटा, वो मिल चुका है, तो एलएचएस इक्वल टू एस आरएचएस, ये प्रूव हो चुका है। तो ये थी सेकंड मेथड। तो आइए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, जिसमें हमारे पास है प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा इनटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पर भी हम शुरुआत करेंगे एलएचएस से, मींस लेफ्ट हैंड साइड से, और लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा वो है कॉस स्क्वायर थीटा इनटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो एलएचएस सॉल्व करते करते अगर हमें आरएचएस मिल जाए, मींस 1 मिल जाए, तो इस क्वेश्चन का प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, जैसा का वैसा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो आपको बता दूं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमारे पास वो है sec स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अब आगे, अब इसको मैं एक ही ब्रैकेट में लिख रहा हूं, cos थीटा इनटू sec थीटा को, दोनों का स्क्वायर है तो दोनों को ब्रैकेट में लिख के होल ब्रैकेट का स्क्वायर दे रहा हूं, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो cos थीटा इनटू sec थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर, और अब इसके लिए भी फॉर्मूला है, वो इस तरह से देखिए, cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो cos थीटा इनटू sec थीटा, इसका वैल्यू है 1, ये रख दिया हमने 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और अब 1 का स्क्वायर होता है 1। तो देखिए, हमने शुरुआत किए थे LHS से, और LHS सॉल्व करते करते हमें क्या मिल चुका है, RHS, means LHS equal to RHS, और लास्ट में जरूर लिखिएगा cos square theta into 1 plus tan square theta equal to 1। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, जिसमें हमारे पास है प्रूव दैट अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा। तो ये हमें प्रूव करके बताना है। तो शुरुआत उसी तरह से LHS से हम करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार LHS में जो हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है वो रूट साइन में है। तो रूट साइन में है, तो देखिए यहां पर हम रैशनलाइजेशन करने जा रहे हैं, किसका, डिनोमिनेटर का। तो देखिए, ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है 1 प्लस साइन थीटा, इसको रैशनलाइज करने जा रहे हैं। तो देखिए रैशनलाइज कैसे करते, समझ लेते। तो रूट में हमारे पास में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, तो ये एज इट इज लिखे हमने। अब रैशनलाइजेशन हम कर रहे हैं डिनोमिनेटर का। तो अगर आप डिनोमिनेटर का फंक्शन रैशनलाइज कर रहे हो, तो जो फंक्शन है उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, जो फंक्शन आपको दिख रहा है उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, लेकिन साइन चेंज। देखिए इस तरह से 1 और साइन थीटा, ये फंक्शन है, 1 और साइन थीटा लिख दिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, लेकिन साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो दोनों जगह आ जाएगा माइनस माइनस। तो इस तरह से देखिए रैशनलाइजेशन किया जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो रूट साइन में देखिए आपके पास यहां पर क्या अवेलेबल है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये होता है 1 माइनस साइन थीटा होल ब्रैकेट का स्क्वायर, दो बार है इसलिए ब्रैकेट का स्क्वायर। और यहां नीचे में देखिए, ये इस फॉर्म में सेम फंक्शन तो है दोनों ब्रैकेट में, लेकिन एक में प्लस एक में माइनस है। तो हमारे पास इस तरह का एक फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हम यहां अप्लाई कर सकते। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। और अब रूट साइन में है 1 माइनस साइन थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमारे पास, देखिए इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और अगर आप इस तरह से लिखते, ये कॉस स्क्वायर थीटा जैसा का वैसा, ये 1 भी जैसा का वैसा, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा उधर लेके जाएंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इस तरह से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमें मिलने जा रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये रूट साइन में है दोनों फंक्शन और स्क्वायर में है, तो आपको बता दूं स्क्वायर और रूट कैंसल्ड हो जाते हैं। तो देखिए स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसल्ड, तो हमें मिलने वाला है 1 माइनस साइन थीटा। उसी तरह से स्क्वायर और ये रूट कैंसल्ड, तो क्या बचने वाला है, कॉस थीटा। अब इसका रिमेनिंग पार्ट मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूं, देखिए एल एच एस इक्वल टू, अब हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम सेपरेट करने जा रहे हैं, देखिए इस तरह से, मतलब 1 के अपॉन में कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस, साथ में साइन थीटा के अपॉन में कॉस थीटा।
और अब 1 अपॉन कॉस थीटा, इसका भी फॉर्मूला है वो है sec थीटा होता है, माइनस है तो माइनस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसका भी फॉर्मूला है और वो होता है tan थीटा। तो देखिए 1 अपॉन कॉस sec होता है, साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो हमें मिला है sec थीटा माइनस tan थीटा, मतलब ये हमें RHS मिल चुका है। तो हमने शुरुआत किए थे LHS से और LHS सॉल्व करते करते हमें क्या मिल चुका है, RHS, मींस इसका प्रूफ कंप्लीट हो चुका है। तो हाँ स्टूडेंट्स, आज हमने पार्ट वन में पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट टू लेके आने वाले, मतलब इन्हीं प्रूफ वाले क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू करने वाले। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों मित्रों में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले पाए। और मैथ्स सीखने के लिए देखते रहिए मैथ्स बाय सुमित सर। थैंक यू वेरी मच।